देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बस कुछ वक्त और फिर देश में नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद चुनाव की तारीख कब आती है ये तो 16 मार्च का वक्त ही बता पाएगा। क्या है मौजूदा लोकसभा का गणित और क्या होगा जब आचार संहिता लग जाएगी, देखिए। बस वो दिन आ ही गया जब लोकसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही वक्त शेष है। 16 मार्च को होने वाली तारीखों की घोषणा के बाद से चुनावी बिगुल शुरू हो जाएगा। खुद चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 और 8 चरणों में हो सकती है। वहीं लोकसभा चुनावों के साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट है वो देखिए। चुनाव आयोग तैयार, खत्म होगा इंतजार। तारीख का ऐलान, क्या है दलों का प्लान, किसका चलेगा दाव, कौन जीतेगा चुनाव। 16 मार्च यानी शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। सभी की नजर शनिवार को होने वाली आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। इतना ही नहीं, पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2:00 PM से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाती है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां हो जाएंगी। चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इस दौरान कौन से काम बंद और कौन से कार्य जारी रहते हैं। दरअसल आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती, भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है, राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है, धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है, मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है, होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते।
विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता है। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाती है। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू होने से पहले भी कार्रवाई कर सकता है। साल 2010 में चुनाव आयोग के सामने यह शिकायत आई थी कि बसपा ने सरकारी पैसे से अपने चुनाव चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं बनवाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई वोटर भी जुड़े हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद 1 मार्च को सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। चौथे दिन 23 मई को रिजल्ट आया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 5 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन 16 मई को आए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी थी। आयोग ने चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करने के लिए कहा था। इसके अलावा आयोग द्वारा पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर 0 टॉलरेंस जाहिर किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने और गाड़ियों में न बैठाएं, न उनको रैली में शामिल करें। आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों और मशीनरी को निर्देश दिया है कि वे चुनाव से जुड़े किसी भी काम या गतिविधियों के दौरान बच्चों को शामिल करने से बचें। इसके लिए चाइल्ड लेबर से जुड़े सभी कानूनों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन एनडीए की सरकार है। इनमें से बीजेपी की 11 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहीं देश के 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले एनडीए की सरकार है। क्या है बीजेपी और एनडीए सीटों का गणित और क्या है विपक्षी दलों का फिलहाल हाल, वहीं जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में होने हैं क्या है उनका गणित, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी आगाज होना है, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इनके विधानसभा गणित के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको साल 2019 में लोकसभा की मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हैं।
लोकसभा में मौजूद सांसदों की बात करते हैं। बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 301 सीटें मिली थी, वहीं उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की संख्या 333 है। इसमें भारतीय जनता पार्टी 301, शिवसेना, शिंदे गुट 12, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3, निर्दलीय 2, अपना दल सोनी लाल 2, आजसू पार्टी 1, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, नागा पीपल्स फ्रंट 1, नेशनल पीपल्स पार्टी 1, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, कुल 333। लोकसभा में विपक्षी दलों की ताकत। अब लोकसभा में विपक्षी दलों की ताकत को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये संख्या काफी कम नजर आती है। फिलहाल सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, जिसके कुल 50 सांसद हैं। इसके अलावा कुछ ही दल ऐसे हैं जिनके 10 से ज्यादा लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस 50, डीएमके 24, तृणमूल कांग्रेस 23, जेडीयू 16, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, समाजवादी पार्टी 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3, आम आदमी पार्टी 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, केरल कांग्रेस एम 1, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1, विदुथलाई चिरुथिगल काची 1, शिवसेना उद्धव गुट 7, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद पवार 3, कुल 142। लोकसभा में अन्य दल। अब ऐसे दलों की बात करें जो विपक्षी और एनडीए में शामिल नहीं है, तो इन दलों के कुल लोकसभा सांसदों की संख्या 64 है, जिसमें सबसे ज्यादा सांसद वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के हैं। वाईएसआर कांग्रेस 22, बीजू जनता दल 12, बहुजन समाज पार्टी 9, तेलंगाना राष्ट्र समिति 9, तेलुगु देशम पार्टी 3, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2, शिरोमणि अकाली दल 2, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, जनता दल सेक्युलर 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान 1, निर्दलीय 1, कुल 64 सांसद हैं। अब बात करते हैं कि लोकसभा के साथ में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो अरुणाचल प्रदेश में जून में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। इससे पहले राज्य में चुनाव होना जरूरी है। राज्य में भाजपा की सरकार है और पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 में से 41 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि यूपीए को 4 और पीपीए को 1 सीट पर जीत मिली थी। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। यहां वर्तमान में जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। 2019 में 175 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस चुनाव में भाजपा, टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेवा पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। वहीं ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। 2019 में बीजू जनता दल ने 137 में से 112 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। यहां एनडीए की सरकार है। 2019 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें, साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में लंबे समय से चुनाव की मांग भी की जा रही है, लिहाजा संभावना है कि इसी साल जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बहरहाल अब तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी। इस बार मोदी सरकार अपनी हैट्रिक लगाने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी मजबूती से दावेदारी पेश करने की कोशिश में जुटा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए हैट्रिक लगा सकती है। 543 में से एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन के खाते में 166 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 42 सीटें मिल सकती हैं। अब ये सर्वे कितना सटीक बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।